आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के दो दिन की यात्रा पर हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। सभी राजनीतिक दलों के साथ सुरक्षा स्थिति पर की चर्चा। आज मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से करेंगे मुलाकात। किराए की कोख के कारोबार पर पूरी तरह पाबंदी। विदेशी अकेले माता पिता लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक जोड़ों को नहीं होगा सरोगेसी का अधिकार। रेलवे नेटवर्क को बढ़ावा देने के मकसद से कैबिनेट ने दी 9 राज्यों में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की प्रगति के जरिए चर्चा। अधिकारियों से कहा स्कूली शिक्षा और साक्षरता से जुड़ी शिकायतों का निकालें समाधान। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला सीमा पार गोलीबारी के अलावा सीमा पर माइंस ब्लास्ट या IED ब्लास्ट के शिकार पीड़ित परिवारों को मिलेगा 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी। राहत और बचाव में तेजी लाने के लिए NDRF की 10 और टीमें तैनात। सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कल ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का पोस्टर जारी किया। महोत्सव का मुख्य मकसद फिल्मकारों अदाकारों और निर्देशकों के उत्कृष्ट कार्य को सम्मानित करना। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बलोच प्रदर्शनकारियों ने भारतीय झंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लहराई। बलूचिस्तान पाकिस्तान से मांग कर रहा है आजादी। राजधानी काबुल में अमेरिकी विश्वविद्यालय पर हमला। हमले में एक व्यक्ति की हुई मौत 14 घायल। अफगान सुरक्षा बलों की तफ्तीश जारी। इटली में मंगलवार को पर्वतीय इलाके में जोरदार भूकंप में मरने वालों की संख्या 159 हो गई है। 368 लोग घायल हुए हैं। सीरियाई विद्रोहियों का इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई। विद्रोहियों ने जराबलू शहर को अपने नियंत्रण में लिया। विद्रोही लड़ाकों को तुर्की की सेना और अमेरिकी हवाई सेना का है समर्थन। संसद के दोनों सदनों से पारित GST विधेयक के प्रस्ताव को दिल्ली विधानसभा ने बहुमत से किया पारित। मध्य प्रदेश विधानसभा ने भी GST विधेयक को दिखाई हरी झंडी। गंगा किनारे बसे 100% गांव खुले में शौच से मुक्त होंगे। साल के आखिर तक हर गांव में बुनियादी सुविधाएं मुहैया होंगी। जन्माष्टमी पर सजने लगे कान्हा के दरबार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। इस साल अनूठा संयोग। 58 साल बाद महीना तारीख दिन और चंद्रमा की स्थिति वैसी ही बनी है जैसी कृष्ण जन्म के समय थी। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेट्रो TV से। नमस्कार।